माय नेम इज शिवम और मैं बीएचयू से पढ़ा हुआ हूँ, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट किया है। इसी साल मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, जबकि आज मैं ऋषिकेश फोटोग्राफी क्लब के साथ मिलके उनकी पहली फ़ोटो वॉक पे आया हूँ, जिसका कि टॉपिक है पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आप किस चीज़ को किस तरह देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं, और फोटोग्राफी क्यों करनी चाहिए सबसे, मतलब आजकल के लोग समझते हैं इसमें कोई करियर नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्यों करनी चाहिए फोटोग्राफी। फोटोग्राफी ज़्यादातर उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनके पास कुछ पर्सपेक्टिव होता है, अलग नज़रिया होता है देखने का। दुनिया को दूसरी नज़र से देखो एक बार अपना कैमरे से, तब और अच्छी लगती है। जैसा कि हमारे सर ने अभी बताया था कि लोग सीधा सामने देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं बाकी, और उनको बस नॉर्मल चीज़ दिखती हैं, कभी उन्होंने दूसरा पर्सपेक्टिव देखा ही नहीं कि मतलब अगर मैं अपना कैमरे से कोई इमेज खींचूँ नीचे से ऊपर से तो कैसा लगेगा वो। तो ये सब करते रहना चाहिए। और मैंने फ़ोटोग्राफी क्यों चुनी है, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि मेरे को फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। मेरे को कॉलेज में जाने के बाद पता चला है, क्योंकि तब मेरे पास काफ़ी स्किल्स डेवलप हुई थी, उसमें से एक फोटोग्राफी भी थी। और करते करते पहले मैं अपना फ़ोन से ही करता था, लेकिन इस साल मैंने अपना दिवाली पर एक कैमरा लिया है और एक करियर बनाना चाहता हूँ इसके अंदर, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी टूरिज़्म से जुड़ा हूँ। टूरिज़्म से तो आपको पता ही है किस तरह फोटोग्राफी चलती है। एक करियर का खोज कर रहा हूँ मैं इसमें, अगर मिल जाए तो अच्छा ही है, पूरी मेहनत है मेरी। और